बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छे से हो? उम्मीद करते हैं बढ़िया होगा, मजे में होगा, पढ़ रहा होगा नए जोश के साथ एकदम, कि मुझे पढ़ाई करना ही करना है। तो चलो एकदम जोश और जुनून के साथ मेरे साथ जुट जाओ अभी से लेके 12th तक, और फिजिक्स के दुनिया में एकदम घुस ही जाओ। एक भी क्लास मिस नहीं करोगे, एक भी लेक्चर मिस नहीं करोगे। और जब फिजिक्स पढ़ रहे हो तो माइंड का जो कनेक्शन है अदर थिंग से, वहां से बिल्कुल हटा दो। केवल और केवल फिजिक्स के बारे में सोचो कि मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं और तुम क्या समझ रहे हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो मुझे व्हाट्सएप पे या चैटिंग चैट वाला ऑप्शन है ना तुम्हारे ऐप पे, वहां पे बता दो, या जो यूट्यूब पे देख रहे हो वहां कमेंट कर दो कि सर ये फलाना चीज मुझे समझ में नहीं आया है। तो हर एक 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 बात तुमको हम क्लियर करते चले जाएंगे। तो चलो, पहला दो लेक्चर में हम लोग केवल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे कि फिजिक्स क्या है, ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसका यूनिट क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिक्स को हम लोग कैसे समझ सकते हैं 5 या 6 टॉपिक से, जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, और क्या था जी, और एक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ये 5 6 जो अभी नाम लिए हैं उसके जरिए हम लोग फिजिक्स का पूरा टोटल कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जहाँ तक हम लोग छोड़े थे वहाँ पढ़े थे क्या? लास्ट लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे, और फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे, और उसका यूनिट पढ़े थे। जिसको भी लेक्चर चाहिए, सॉरी पीडीएफ चाहिए, प्लीज इस नंबर पे 9334971154, ये देखो 4 है, इस पे कांटेक्ट करो और पीडीएफ मांगो, व्हाट्सएप मुझे करना और यहाँ से उनको पीडीएफ मिल जाएगा। और हम जो सागर साइंस सेंटर का ऐप है उस पे भी पीडीएफ हम डाल दे रहे हैं, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और जो सागर कोचिंग के बच्चे हैं वो प्लीज अपना नाम लिख करके सेंड करो व्हाट्सएप पे, ताकि हम ग्रुप क्रिएट्स कर सके वहां पर, बॉयज का अलग गर्ल्स का अलग, ताकि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो तुम्हें वहां पर आसानी से मिल सके। ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब ध्यान से समझना, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसको मेजर कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो गौर करना बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी तो हम लोग जान गए, वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग जिसके जरिए हम लोग फिजिक्स के टर्म को एक्सप्लेन कर सकें और उस पे बेस्ड एक लॉ बना सके, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। अब है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये समझने से पहले एक एग्जांपल ले लो, उस एग्जांपल से तुम सारे चीज समझ जाओगे कि क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। अब जैसे कि मान लो किसी बच्चे से हम पूछे कि तुम्हारा मास कितना है, मास कितना यानी वजन कितना है, ठीक है, वैसे अभी वेट ही कह सकते हैं। चलो तुम्हारा मास कितना है, तो कोई बोलेगा कि सर मेरा मास है 40 केजी। ध्यान देखना, 40 केजी। अगर वह केजी नहीं बोले, कोई केवल ये बोले कि सर मेरा मास 60 है, मेरा मास 50 है, तो केवल 60 कह देने से क्या हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आया उसके मास के बारे में? केवल अगर चार सॉरी 60 बोलेगा, केवल 60 बोलने से हम कुछ भी समझ सकते हैं कि हो सकता है उसका मास 60 ग्राम हो, है ना, हो सकता है उसका मास 60 केजी हो सकता है उसका मास 60 क्विंटल हो सकता है उसका मास 60 टन हो, सॉरी 60 टन हो। तो कहने का मतलब 60 के साथ साथ यूनिट कहना भी जरूरी है। केवल 60 बोल देगा तो कंप्लीट फिगर हम लोगों को समझ में आएगा नहीं। तो केवल 60 कह देने से कंप्लीट फिगर या कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके मास के बारे में मेरे माइंड में नहीं आएगा, हम लोग समझ नहीं सकते हैं। केवल 60 कह देगा, मान लो किसी का ये फिजिकल क्वांटिटी का, मान लो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है ही, कोई 60 बोल देगा तो हम क्या समझ सकते हैं कि हो सकता है वो बोल रहा है 60 ग्राम, हो सकता है कि वह 60 केजी हो सकता है कि वो 60 टन हो, है ना, और भी कुछ हो सकता है।
तो कहने का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस करना है तो तुमको ये देखो, इसको थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करना। चलो यहाँ केजी ले लिए, ये जो 60 देख रहे हो ये कहलाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो ग्राम देख रहे हो ये यूनिट है, यूनिट्स। वैसे ये जो 60 हो गया मान लो ये न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये केजी हो गया यूनिट, ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गया यूनिट। तो कहने का मतलब बच्चों कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लोगे ना तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे दो चीज़ों की जरूरत होगी, एक होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा होगा उसका यूनिट। जैसे कि तुम लोगों से पूछे तुम्हारा एज कितना है, एज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो कहोगे सर मेरा एज है, एज यानी टाइम तुमसे पूछ रहे हैं, मेरा एज है सर 16 ईयर। तो मान लो ये क्वांटिटी 16 ईयर्स है, 16 साल। अब ध्यान से देखना 16, यहाँ पर 16 क्या है, 16 है तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू और जो ईयर्स क्या है, यूनिट है ना। अब ध्यान देखना, कोई बोल रहा है कि सर मेरा एज है 16 डेज, तो डेज हो गया तुम्हारा यूनिट और 16 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई बोल देगा सर मेरा 22 वीक है एज, 22 वीक्स है, तो वीक्स हो गया आपका यूनिट और 22 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। और भी कुछ ले लो, जैसे कि स्पीड पूछ दे कि चलो ट्रेन का स्पीड कितना है, तो कोई बोल देगा कि सर स्पीड है उसका 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखो किलोमीटर पर आवर हो गया यूनिट और ये हो गया क्या तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई बोल देगा सर 22 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गया और 22 क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो किसका प्रोडक्ट होना चाहिए। किसी भी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट के प्रोडक्ट के रूप में। लाइट कट गया है, रोशनी का जुगाड़ करते हैं। देखो आ गया। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इस दोनों का प्रोडक्ट है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको दर्शा सकते हैं, है ना। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। समझ में आया ना, किसी फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली हम लोग किस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त कर सकते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट के रूप में किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो इसे थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया वो कितना हो गया बच्चों, वो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट हो गया, है ना। चलो U फॉर यूनिट, N मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और U मतलब हो गया यूनिट, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे रिलेटेड एक और बात आएगा। अब जैसे कि मान लो फिजिकल क्वांटिटी मेरा ही वेट ले लो, मेरा ही वजन ले लो, मास ले लो, तो मेरा जो मास है मान लो 60 kg लिए। जरा ध्यान देना इसे, 60 kg लिए, मुझे देखो, थोड़ा देखते रहो, कुछ चेंजिंग आएगा मेरे में। 60 kg ले लिए, ठीक। अब जरा ध्यान देना, अब क्या करेंगे, ये केजी तो यूनिट है और 60 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इस केजी को ग्राम में बदलेंगे। तो एक केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो 1000 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा ग्राम। अरे बाप रे, पहले वजन मेरा कितना था 60 kg, देखो मुझे 60 kg लग रहे, और अब कितना हो गया 60,000 ग्राम। बाप रे, देखो मोटा गए, मोटे हो गए ना, हो गए क्या, अरे नहीं, ये यूनिट का केवल फर्क पड़ा है,
लेकिन जो फाइनली जो मेरे अंदर जो क्वांटिटी छुपा हुआ है 60 kg का, वो तो उतना ही है, वो चेंज होगा ही नहीं, है ना। क्योंकि हम कह सकते हैं कि अगर केजी रखोगे, ध्यान से देखना, केजी में यूनिट रखो या ग्राम में रखो, क्वांटिटी जो है वो वही रहेगा, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन जो फाइनली जो क्वांटिटी है, जो उसके अंदर अमाउंट छुपा हुआ है, मात्रा छुपा है, वो चेंज नहीं होगा बच्चों। तुम देख रहे हो ना कि 60 kg में ये इतना ही है, और जैसे ही हम ग्राम में बदले तो 60,000 ग्राम, क्या बदल गए क्या? तुम्हारे पास 100 रुपया है, कितना रुपया है? 100 रुपया, जरा सोच के देखो, 100 रुपया है, और इसको पैसा में बदलो, फिर 100 से गुना करोगे, बाप रे बाप, इतना पैसा हो गया जी, देखो तो क्या अल्टीमेटली तुम्हारे पास रुपया तो उतना ही है। तो एक्सप्रेस करने का ये तरीका है। तो कहने का मतलब बच्चों, यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, लेकिन उस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे 60 kg का हो या 60 ग्राम का हो, बात तो चाहे 60,000 ग्राम का हो, बात तो बराबर ही है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, यानी ये जो क्वांटिटी होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, और क्वांटिटी बराबर क्या होगा, एन इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब नहीं बदलने वाला है, ठीक है। कॉन्स्टेंट को हम लोग के भी लिखते हैं, चलो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल टू के बाई यू, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली मतलब उल्टा बच्चों, इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती, समझते हो यू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ना, यू यहां छोड़ के 1/n। अब जरा ध्यान देखना, यहां से एक चीज और निकल के आया, तुम गौर करो, केजी यूनिट बड़ा होगा, यानी केजी यूनिट में केजी बड़ा है कि ग्राम बड़ा है? तो कहोगे सर केजी बड़ा है और ग्राम छोटा है, और न्यूमेरिकल वैल्यू में 60 बड़ा है कि 60,000 बड़ा है? तो कहोगे 60,000 बड़ा है। अब देखो, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो यूनिट छोटा हो गया, है ना, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है तो यूनिट बड़ा हो गया। तो यहां से तुम देख सकते हो कि अगर यूनिट छोटा करोगे, यूनिट छोटा हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाएगा, है ना, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर यूनिट बड़ा हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा, एक दूसरे का उल्टा है। तुम खुद करके देख सकते हो कि यहाँ जब यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, और जैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हुआ तो यूनिट छोटा हो गया, एक दूसरे का उल्टा। फिर से समझो, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा तो यूनिट छोटा, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा तो यूनिट बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आई थिंक ये समझ में तुमको आ गया होगा, और एक बार हम शुरू से रिपीट करते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तुमको तो प्लीज, फिर से हम बोल रहे हैं, बेहिचक आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप करके मांग करो, जो 12th में बच्चा सब ऑलरेडी पढ़ रहा है वो लोग फायदा उठा रहा है, आप लोग भी उठाइए, घबराइए नहीं, वहां पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आएगा वो बताएंगे, को कर सकते हो, तुरंत क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया था, तो वहाँ क्विक रिस्पॉन्स होगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे अपना व्हाट्सएप मुझे करो, वहाँ पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, ग्रुप हम बॉयज़ और गर्ल्स का अलग क्रिएट कर देंगे, पहले से भी हम लोग के पास 12th का ग्रुप है, सागर साइंस सेंटर का, सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो चलो एक बार शुरू से चलते हैं कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पहले हिंदी में समझ लो ध्यान से, और कहीं माइंड को मत ले जाओ, तो सबसे पहले हिंदी में कहते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पूर्णतः हम लोग व्यक्त करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के गुणनफल के रूप में, यानी क्यू बराबर एन यू, क्लियर है। और फिर नीचे लिखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी क्वांटिटी हमेशा क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब बच्चों जिसका वैल्यू बदलने वाला नहीं है, जैसे यही समझो, चाहे 60 kg को या 60,000 ग्राम को, बात तो एक ही है ना जी, तो क्वांटिटी चेंज नहीं होने वाला है। तो कह सकते हैं,
कि n और u का जो प्रोडक्ट है, चाहे दिस इंटू दिस करो या दिस इंटू दिस, ये क्वांटिटी तो नहीं बदलने वाला। तो नहीं जो बदलता है उसे कॉन्स्टेंट कहते हैं, एकदम अचर, अचर है वो, बदलेगा नहीं। तो कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, यानी q इक्वल टू कॉन्स्टेंट, n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को हम लोग k से डिनोट करते हैं और n को लिख देंगे k बाई u, q तो कॉन्स्टेंट है, तो n व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसका, u का। इसका मतलब ये कि अगर u बढ़ेगा तो n घटेगा, अगर u घटेगा तो n बढ़ेगा। वहाँ भी समझ सकते हो, अगर n बढ़ेगा तो u घटेगा, अगर n घटेगा तो u बढ़ेगा। इस एग्जाम्पल को तुम यहाँ से भी समझ सकते हो, देखो इस दोनों को, कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ देखो 60 है और यहाँ 60,000 है, बढ़ गया तो यूनिट घट गया, केजी से छोटा हो गया, ग्राम हो गया, है ना। और अगर केजी, देखो ये केजी है, छोटा हुआ ग्राम में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया, उल्टा। इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है बच्चों? ये तुम्हारा पूरा ये हिंदी में था, सारा ऑर्गेनाइज ढंग से, व्यवस्थित ढंग से तुमको लिखा हुआ पीडीएफ में मिल जाएगा। तो इंग्लिश में एक बार बोलते हैं, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो कहेंगे बच्चों, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, दैट इज q इक्वल टू n। फॉर एग्जांपल q इक्वल टू 16 kg, फिर नीचे लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट मे बी चेंज बट प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट और यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल वैल्यू। तो चलो ये बात बच्चों अगर क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है ना, तो जो यूट्यूब पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है बच्चों, कमेंट कर देना कि सर यहाँ पर ये थोड़ा समझ में नहीं आया था, तो अगला लेक्चर में उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर से बोल रहे हैं पीडीएफ चाहिए, ये नंबर नोट कर लो। और हाँ बच्चों, कभी भी अगर वीडियो देखने बैठो ना, तो ऐसा नहीं कि आधा देख करके छोड़ दें, बीच में थोड़ा छोड़ दें, ऐसा नहीं, टाइम निकालो कंप्लीट और पूरा देख कर ही छोड़ो। और जब बैठो देखने के लिए तो कॉपी पेन ले करके बैठना, ताकि कुछ एक्स्ट्रा बातें होता है जो तुमको अच्छी लगे उसको नोट कर लो, क्योंकि हर बात पीडीएफ में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ तुमको हम समझाए थे, है ना, कि क्या किसी का 60 केजी 50 केजी हम मोटा हो गए बड़ा हो गए, मतलब कभी भी कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट आता है जो तुमको जरूरत लगे नोट किया जा सकता है, तुम कर सकते हो। अब पढ़ेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो बहुत ही आसान है, ये तुम 9th-10th में पढ़ा होगा। तो सबसे पहला जो सिस्टम है वो है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ठीक है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। सीजीएस सिस्टम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो कि लास्ट लेक्चर में बताए थे, वो क्या होता है, लेंथ, मास और टाइम, है ना। तो यहां केवल फंडामेंटल का ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सी, सी मतलब सेंटीमीटर, ध्यान से देखना, ठीक। जी, जी मतलब ग्राम और टाइम मतलब, एस मतलब सेकेंड। तो गौर करना यहां पर क्या कि सीजीएस सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम का यूनिट क्या लेते हैं हम लोग, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड लेते हैं, ठीक है, बस खत्म। द सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इज टेकन एज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड इज नोन एज सीजीएस सिस्टम, ठीक है। द सिस्टम इन विच यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इज टेकन एज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड इज नोन एज सीजीएस सिस्टम, यानी वैसा सिस्टम जिसमें लेंथ, मास और टाइम का जो यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीजीएस सिस्टम। ये 9th-10th में पढ़ा होगा, इसीलिए जल्दी जल्दी इसको निकालो। सीजीएस के बाद होता है बच्चों फुट पाउंड सेकेंड, एफ पी एस सिस्टम,
देखो एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड और एस मतलब सेकेंड, जैसे यहाँ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, वैसे फुट पाउंड सेकेंड। फुट किसका यूनिट हो जाएगा? लेंथ का। लेंथ का यूनिट हो जाएगा इसमें किसका? फुट। लेंथ का यूनिट फुट होगा, पाउंड हो जाएगा मास का, और सेकेंड हो जाएगा किसका? टाइम का। इसका भी डेफिनेशन क्लियर हो गया कि वैसा सिस्टम जिसमें लेंथ का यूनिट फुट, मास का यूनिट पाउंड और टाइम का यूनिट सेकेंड लेते हैं, उसे एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। तीसरा है बच्चों एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, अब एम मतलब क्या होता है? मीटर, के मतलब किलोग्राम यानी केजी, और एस मतलब फिर से सेकेंड। तो वैसा सिस्टम जिसमें हम लोग मास का यूनिट लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम और टाइम का यूनिट सेकेंड लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? एमकेएस सिस्टम। तो आई थिंक ये समझ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब देखो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना जो हम बोलने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों कि इंजीनियरिंग, जो इंजीनियर बनता है मान लो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जो इंडिया का इंजीनियर है, भारत का, ठीक है, तो इंडिया में मान लो सीजीएस सिस्टम चल रहा है जैसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और अमेरिका में चल रहा है मान लो एमकेएस चल रहा है। अमेरिका में क्या चल रहा है? एमकेएस। अब सोचो कि जैसे ही इंडियन इंजीनियर को आदत है कि प्रत्येक चीज को एक्सप्रेस करेगा या तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में, लेकिन जो अमेरिकन इंजीनियर होगा उसको तो आदत है मीटर के किलोग्राम और सेकेंड में बदलने की। तो अगर अमेरिका का इंजीनियर इंडिया में आएगा काम करने, तो उसको तालमेल बैठाने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि हर चीज में यूज होगा सेंटीमीटर, जबकि वो बोलेगा मीटर, फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना होगा, थोड़ा लफड़ा है। वैसे ही अगर इंडियन इंजीनियर अमेरिका में गया तो फिर उसको इसमें कन्वर्ट करने में ना टेंशन होगा। तो इस कन्फ्यूजन से या इस प्रॉब्लम से बचने के लिए 1960 में इंटरनेशनल जो कम्युनिटी होता है, इंटरनेशनल जो कहोगे देश है, जो बड़े बड़े देश है, उन्होंने एक कंबाइंड सिस्टम का इजाद किया, आविष्कार किया 1960 में, जिसे हम लोग एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। मतलब एसआई यूनिट कहते हैं। कौन यूनिट कहते हैं? एसआई यूनिट। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हर एक देश अगर केवल एसआई यूनिट ही पढ़ाएगा या उसी में काम करेगा, तो कहीं का इंजीनियर कहीं भी जाए उसको कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए बच्चों ये एसआई यूनिट ध्यान से देखना। देखोगे किसी किसी बुक में लिखा रहता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, आई मतलब इंटरनेशनल और एस मतलब सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वो भी सही है, लेकिन सही मायने में सही ये है, सिस्टम, आई से इंटरनेशनल और यहाँ पर डी यूनिट। देखो अब मिल गया ना, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहो या सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट कहो, बात बराबर ही है। खोज कब हुआ था, मतलब ये जो पारित कब हुआ था? 1960 में हुआ था। तो ऐसा यूनिट के बारे में समझो, इसके बारे में बोला जाता है कि ये एमकेएस सिस्टम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्सटेंडेड मतलब इसका ही, एमकेएस का ही विस्तृत रूप है। इट इज ए एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम, क्योंकि एमकेएस में लेंथ, मास और टाइम यही तीन क्वांटिटी लेते थे, लेकिन यहाँ पर और भी क्वांटिटी लिया गया। अब देखो कितना फंडामेंटल क्वांटिटी लिया गया, उसका चार्ट तुम लोग देख लो। ये सब तुम लोग जानते हो। तो देखो सबसे पहले यहां लिखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और यहां पर यूनिट। सबसे पहले वही लेंथ है ना, इसका यूनिट क्या होता है? लेंथ का जी, लेंथ का होता है मीटर, और यहां पर सिंबल
सिंबल क्या होता है, तो एम। उसके बाद दूसरा है लेंथ के पास मास, मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, और यहां सिंबल क्या लिखते हैं केजी। उसके बाद तीसरा है बच्चों टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है ऐसा यूनिट सेकेंड, और इसको लिखते हैं एस से। उसके बाद बच्चों टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, ठीक है, इसको हम लोग इसका यूनिट होता है के। उसके बाद ये क्वांटिटी ऑफ मैटर, केमिस्ट्री में पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर इसको हम लोग लिखते हैं मोल, और इसका सिंबल होता है MOL। उसके बाद छह में बच्चों करंट, जिसका होता है एम्पियर, लिखते हैं इसको क्या A, और ये है एक है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होता है कैंडेला, लिखते हैं इसको CD से। तो ये सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिया गया, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों दो और फिजिकल क्वांटिटी लिया गया जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दो और सप्लीमेंट्री फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अब यहां पर इसका यूनिट्स लीजिए और फिर यहां पर सिंबल। देखिए फंडामेंटल में सबसे पहले एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जो कि रेडियन, जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं ना वही होता है प्लेन एंगल, रेडियन, इसका सिंबल आर डी। और एक होता है सॉलिड एंगल, इसकी जरूरत बहुत मतलब ना के बराबर पड़ती ही नहीं है, इसका होता है एस्टे रेडियन, लिखते हैं ऐसा। तो देखो ये सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर क्वांटिटी ऑफ मैटर करेंट इलेक्ट्रिसिटी या लुमिनस इंटेंसिटी, ये सात। तो लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, करंट का होता है एम्पियर, क्वांटिटी ऑफ मैटर का होता है मोल, टेम्परेचर का होता है केल्विन, सॉरी केल्विन, केल्विन हो गया था केल्विन, टाइम का होता है सेकेंड, मास का होता है किलोग्राम, और लेंथ का होता है मीटर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बच्चों। और दो सप्लीमेंट्री यूनिट लेते हैं, प्लेन एंगल जिसका यूनिट होता है रेडियन, और एक सॉलिड एंगल जिसका एस्टे रेडियन। तो ये सारा चीज याद करके रखोगे क्योंकि आगे हम अब टेस्ट लेंगे, ठीक है, अगला लेक्चर होगा डायमेंशन का, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।